अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मेरा जो है आखिरी दिन है, मेरी जो 3 डे ऑफ होते हैं उसका आखिरी दिन है। और मैं सो के उठ गया था थोड़ी देर पहले, फ्रेश वगैरह भी हो गया हूँ, और अभी फ़िलहाल मुझे किसी काम से बाहर जाना है। बेसिकली मैंने वो 2 दिन पहले मोबाइल बनने के लिए दिया था ना, तो वो रेडी हो गया है। उस फ्रेंड का भी फ़ोन आया था कि मोबाइल ले जाओ, रेडी हो गया है। तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ मोबाइल लेने के लिए। यूके का वेदर जो है वो काफ़ी कोल्ड हो गया है, और कुछ एरियाज़ में जो है रात को बर्फ़बारी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं हुई। एक्सपेक्टेड था कल, लेकिन नहीं हुई। यहाँ पे लंदन में बहुत कम होती है बर्फ़बारी। सो जो दूसरे एरियाज़ हैं ना, लाइक बर्मिंगम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, और ये स्कॉटलैंड साइड हो गया ना, वहाँ पे जो है ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। लेकिन हम अगर खुशकिस्मती होगी हमारी तो हो जाएगी बर्फ़बारी। लास्ट ईयर में यहाँ पर था नहीं, तो पता नहीं हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन 2019 में भी मेरे ख्याल से नहीं हुई थी। अगर हुई होगी तो एक दिन के लिए, कुछ कुछ घंटों के लिए हुई होगी। सो देखते हैं कि इस दफ़ा बर्फ़बारी होती है या नहीं होती। मुझे तो बहुत पसंद है बर्फ़बारी, तो मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ बर्फ़बारी के अंदर। सो एनीवे, देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर अपना काम करने के लिए, तो फिर आपसे बाहर मिलूँगा। तो गाइस, बस में बैठ गया था जाने के लिए, और बारिश हो, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बहुत आगे बैठा हूँ बस में, बिल्कुल ड्राइवर के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी बारिश है आज, और ये बस स्टॉप पर किसी ने कार खड़ी कर दी है। तो गाइस, मैं उस मार्केट में पहुंच चुका हूं, और ये मेरे दोस्त की शॉप है। तो मैं यहां से अभी मोबाइल उठाऊंगा, फिलहाल देखते हैं बना के नहीं बना। तो गाइस, मैं सामान लेके घर आ गया हूँ, और अभी बनाऊँगा मैं चपली कबाब। ये कीमा ले आया हूँ उसके लिए, और अभी सारी प्रिपरेशन करता हूँ चपली कबाब बनाने की। सो गाइस, मैं कच्चे कीमे के मतलब चपली कबाब बना रहा था नीचे, उसमें जो है वो सारा मसाला वगैरह लगा के उसको मैरिनेट करके जो है मैंने उसको छोड़ दिया आधे घंटे के लिए फ्रिज में। अभी मैं अपने रूम में आया हूँ, और ये देखिए बाहर आज कितनी तेज़ हवा चल रही है। सर्दी तो है ही अपने ज़ोरों पे, टॉप पे, लेकिन ये आप पीछे देखें, ये आपको पता चल जाएगा कि कितनी तेज़ हवा है बाहर। और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हवा देखिए मेरे गार्डन के पीछे जो दरख्त हैं ये कैसे हिल रहे हैं। सो गाइस, अभी थोड़ी देर में मैं नीचे जाऊँगा, चपले कबाब का मसाला आपको दिखाऊँगा, और चपले कबाब बिल्कुल बना के आपको दिखाऊँगा अभी। तो गाइस, चपले कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं खाने के लिए। फ्राई कर लिए थे हमने इसको, और देखने में काफ़ी यमी लग रहे हैं। तो अभी चपले कबाब को खाते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस, रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, और जो मेरा वीकेंड था वो फिनिश हुआ आज। 3 दिन की छुट्टी थी, बहुत जल्दी गुजर गई, कुछ पता ही नहीं चलता, फ़ौरन से गुजर जाती है। और कल से बैक टू वर्क, फिर वही 4 दिन काम। सो सुबह जल्दी जॉब है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर। सुबह आई डोंट नो क्या होगा, कितनी सर्दी होगी, तो वो सुबह की सुबह देखी जाएगी। सो एनीवे, आज के इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट ज़रूर कर दिएगा। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के अंदर। तो जब तक के लिए बाय बाय, और अल्लाह हाफिज़।